हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं गेहूं के आटे और आलू से खस्ता कचौड़ी। बहुत ही स्वादिष्ट ये खाने में लगती है, आसानी से बनकर एकदम फूली फूली कचौड़ी रेडी हो जाती है घर पर आसानी से। तो आप इसे पूरा ज़रूर देखिए, घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन पर ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। सबसे पहले हमने ये 2 कप गेहूं का आटा लिया है, नमक डालेंगे इसमें हम। अब ये हमने ऑयल लिया है, इसमें डालेंगे, ज़रूरत के हिसाब से डालेंगे, मिक्स करेंगे इसे। मॉइन इसमें बिल्कुल बराबर होना चाहिए, अच्छे से हाथों से मसलते हुए हमें इसे मिक्स करना है। तो देखिए इसे हमने अच्छे से हाथों से मसलते हुए मिक्स कर लिया है। मॉइन इसमें अभी हमारा बराबर नहीं है, देख सकते मुट्ठी में हो नहीं पा रहा है, तो थोड़ा सा ऑयल इसमें और ऐड करेंगे। तो जैसा कि हमने कहा, ज़रूरत के हिसाब से इसमें मॉइन डालें। तो देखिए अब ये इसमें हमारा मॉइन बिल्कुल बराबर है, देख सकते हैं इस तरीके से मुट्ठी में होना चाहिए। तो पानी इसमें हम ऐड करेंगे, उसका हमें आटा तैयार करना है। जी आटा हम जैसे रोटी का आटा बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें इसे बनाना है। तो देखिए आटा हमारा तैयार है, जैसे कि हमने कहा था कि जैसे नॉर्मल रोटी का हम आटा बनाते हैं बिल्कुल वैसे बनाना है इसे। हमें हल्का सा इसमें हम ऑयल लगा लेंगे। इसे हम एक साइड ढककर रेस्ट पर रख देंगे और तब तक फिलिंग रेडी कर लेंगे। तो फिलिंग बनाने के लिए हमने 3 उबले हुए आलू लिए हैं जिसे हमने छील लिया है। देखिए आलू में पानी नहीं होना चाहिए और ये गर्म नहीं होने चाहिए, ठंडा करने के बाद ही इसे यूज़ करें। तो आलू को हम कद्दूकस कर लेंगे जिससे कि आलू हमारे अच्छे से मैश हो और उसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ ना रहे। सारे आलू को इसी तरीके से कद्दूकस कर लेंगे। तो देखिए सारे आलू को हमने ग्रेट कर लिया है। अब इसमें हम 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे, थोड़ा सा कटे हुए धनिया, नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक ध्यान से डालना है क्योंकि हमने आटे में भी नमक डाला है। 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, तीखा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून आमचूर पाउडर चटपटा टेस्ट देने के लिए। तो इसे हम साफ हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। आलू में थोड़ा सा गीलापन होता ही है, तो इसका गीलापन सोखने के लिए हम इसमें ये 2 चम्मच हमने पिसे हुए पोहे का पाउडर लिया है, उसे हम इसमें डालेंगे और मिक्स कर लेंगे इसे। तो ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया, देख सकते एकदम डो की तरह तैयार हो गया है। अब ये जो आटा है हमारा जिसे हमने रेस्ट पर रखा था, इसमें हम 2 से 3 मिनट अच्छे से गूंदी लगा लेंगे जिससे कि आटा हमारा एकदम सॉफ्ट हो जाए, एकदम चिकना हो जाए। तो आटे को हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छे से गूंदी लगा ली है, ये हमारा आटा एकदम चिकना हो चुका है। अब हम आटे की लोई लेंगे, इस तरीके से गोल कर लेंगे। तो सारे आटे की हम इस तरीके से लोई बना लेनी है। अब एक लोई लेंगे, इसे हमें बेलना है। तो पूरी की तरह हमने इसे बेल लिया है। अब जो फिलिंग है हमारी वो हम इसमें डालेंगे।
कवर कर लेंगे इसे। एक्स्ट्रा आटा हटा देंगे। तो देखिए इसे हमें अच्छे से कवर करना चाहिए, कहीं से भी फटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो इसे हम पहले हाथों से इस तरीके से कर लेंगे जिससे कि जो अंदर हमने फिलिंग को भरा है वो सभी साइड अच्छे से फैल जाए। अब इसे हम बेलन से बेलेंगे, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हमें इसे बेलना है। कचौड़ी बिल्कुल भी फटनी नहीं चाहिए क्योंकि नहीं तो ये ऑयल में जाके फट जाएगी और ऑयल भी पूरा ख़राब हो जाएगा, कचौड़ी भी ख़राब हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम सारी कचौड़ी रेडी करेंगे। कचौड़ी को फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को मीडियम फ्लेम पर मीडियम गरम कर लिया है। इसमें हम कचौड़ी को डालेंगे। देखिए एक बारी में आपकी कढ़ाई में जितनी कचौड़ियाँ आए उतने आप डालें, एक साथ बहुत ज़्यादा ना भर लें। और इसे हमें मीडियम फ्लेम पर ही, और देखिए कढ़ाई में आपके जितने कचौड़ियाँ आए उतने आप डालें, एक साथ बहुत ज़्यादा ना भर लें। और एक एक करके भी कचौड़ी को फ्राई ना करें, वैसे भी कचौड़ी अच्छे से फ्राई नहीं हो पाती है। तो इसे हमें मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। अभी हम इसे एक साइड फ्राई होने देंगे, अभी हम इसे छुएंगे नहीं। जब थोड़ा फ्राई हो जाएगा तब हम इसे पलटेंगे। तो देखिए थोड़ा फ्राई होने पर देख सकते हैं कितनी बढ़िया ये कचौड़ियाँ हमारी फूल गई है। तो इसे हम पलटेंगे। और इसे हमें थोड़ी थोड़ी देर में पलटते हुए गोल्डन होने तक फ्राई करना है। तो देखिए कचौड़ी हमारी गोल्डन फ्राई हो चुकी है, कितनी बढ़िया ये बनकर रेडी हुई है देख सकते हैं। इसे एक टिश्यू पेपर के ऊपर रखेंगे जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है उसमें ऑब्जर्व हो जाए ताकि। और इसी तरीके से बाकी हमारी कचौड़ियाँ भी हम फ्राई कर लेंगे। और ध्यान रखिए कि कचौड़ियाँ आपकी सूखे ना, अगर आप एक साथ सारी कचौड़ी बेल के रख रहे हैं तो उसमें हल्का गीला कपड़ा रख दीजिए ताकि वो सूखे ना, नहीं तो वो ऑयल में जाके फिर फट जाएगी। बहुत ही बढ़िया खस्ता कचौड़ी बनके रेडी हुई हमारी। तो लीजिए हमारे बहुत ही टेस्टी खस्ता कचौड़ी सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। देखिए वैसे तो मूंग दाल और मैदे से खस्ता कचौड़ी बनाया जाता है लेकिन हमने गेहूं के आटे और आलू से बनाया है, ये भी बहुत ही टेस्टी खाने में लगती है। आपको एक तोड़ के दिखाते हैं इसे। देख सकते कितनी क्रिस्पी बनी है ये, और मसाला देख सकते हैं अंदर सब जगह फैला हुआ है। बहुत ही बढ़िया कचौड़ी बनकर रेडी हुई है। तो आप इस टेस्टी कचौड़ी की रेसिपी को घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा को सब्सक्राइब कीजिए। और आपने कमेंट में भी भेज सकते हैं। हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।